हाँ तो पबजी वालों आ जाओ, आज खबर सुन लो एक बहुत बढ़िया सुबह सुबह तुम्हारे लिए। अरे अरे सुसाइड करने मत जाओ, पहले खबर सुन के जाओ। आप लोगों के लिए गेम आ गया है फौजी नाम से, फियरलेस एंड यूनाइटेड गार्ड्स, इंडियन कंपनी है एनकोर। कंपनी का ऑफिस है बेंगलोर के अंदर और इसके सीईओ हैं दयानिधि एमजी, मॉरिस गैराज वाले नहीं इंडियन वाले एमजी। इन्होंने आप लोगों के लिए गेम की तैयारी कर ली है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक तैयारी की है। खबर दी है कैनेडियन अंकल अक्षय कुमार ने ट्वीट के द्वारा कि फियरलेस एंड यूनाइटेड गार्ड्स, और एक पोस्टर दिखाया है ये वाला जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, फौजी, फौजी नाम से गेम लॉन्च हो रहा है इंडिया में। आप लोगों के लिए आराम से गेम खेलो और जिंदगी बनाओ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं रखा दुनियादारी में। मैंने कोशिश की कंपनी से कॉन्टैक्ट करने की, आगे के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, मैं सारे जेन्युइन अपडेट्स लेके आऊँगा आप लोगों के लिए। अभी जितने भी जो दिखा रहे हैं आपको, ट्रेलर दिखा रहे हैं, ग्राफिक्स दिखा रहे हैं और पता नहीं क्या क्या आवाज में बातें कर रहे हैं, कोई हेलीकॉप्टर में उड़ रहा है, कोई टैंक में चल रहा है, कोई जीप में चल रहा है, सब फर्जी है, कुछ नहीं है। अभी तक कुछ तैयारी है नहीं इतनी सारी की, कोई ट्रेलर कंपनी ने लॉन्च ही नहीं किया, तो ये कौन सा ट्रेलर दिखा रहे हैं भाई, कौन सी ग्राफिक्स दिखा रहे हैं, सब फेक है, सब अपने व्यूज़ बढ़ाने में लगे हुए हैं। तुम सिर्फ मेरे व्यूज़ बढ़ाओ, मेरा ध्यान रखो, किसी और का ध्यान मत रखो। मैं लाऊंगा तुम्हारे लिए बहुत अच्छी अच्छी खबरें इस गेम्स के बारे में। आगे के अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करो, आ जाओ इंट्रो देख लो, फिर आगे की बातें करते हैं। और सुन लो, सारी गलती तुम्हारी है, तुमने वीडियो डिसलाइक किया, खोपड़ी फोड़ दूंगा, मेरे हाथ में गिटार है पता है ना, रॉकस्टार बना दूंगा मारते मारते ऐसे ऐसे करके, इतनी आती है मेरे को, इससे ज्यादा नहीं आती। वीडियो डिसलाइक कर रहे हैं मोदी जी का और पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, अब बैठे रहो घर पे आराम से खेल लो गेम। उन्होंने तुम्हारा को डिसलाइक कर दिया, अब क्या करोगे, हो गया तुम्हारा गेम बैन। चलो कोई बात नहीं, दुखी होने की बात नहीं है। देखो अब मैं आगे सीरियसली बातें करते, थोड़ी बहुत हो गई है मजाक, और वीडियो डिसलाइक नहीं करना, गंदी बात होती है प्रधानमंत्री के वीडियो डिसलाइक करना, कमेंट कर दो जो भी करना है, ठीक है। अब सुनो दोस्तों, देखो बेंगलोर बेस्ड कंपनी है एनकोर गेम्स, पहले भी इंडियन गेम्स लेके आ चुकी है, इंडिया की लीडिंग गेम पब्लिशर कंपनी है। पहले बाहुबली गेम लेके आई थी, ये आप पोस्टर देख रहे हैं, बाहुबली गेम के ग्राफिक्स काफी बढ़िया थे, तो हम आगे उम्मीद लगा सकते हैं कि फौजी गेम जिसका इतना हाइप बन गया है मार्केट में एक दो दिन के अंदर ही। मेरा वीडियो थोड़ा लेट हुआ क्योंकि मैं पहले उसके बारे में जेन्युइन जानकारी जुटाने में लगा हुआ था, अगर मैं भी बस आके फालतू बकवास करके और आपके व्यूज़ लेके जाऊँ उससे मतलब नहीं है, जेन्युइन वीडियो आना चाहिए। तो मैंने कंपनी से कॉन्टैक्ट करने की बात की, अभी मुझे इतनी जानकारी मिली है कि हम इसका ट्रेलर लॉन्च करेंगे बहुत जल्दी और आगे की जानकारी भी देंगे। और देखो इस गेम के अंदर बहुत अच्छी बात ये भी है कि इसका जो भी इनकम होगी कंपनी की, इसका जो 20% अमाउंट है वो भारत की भी एक ट्रस्ट है, जो पुलवामा अटैक, आई डोंट, प्लीज़ डोंट कोट मी ऑन दिस, पुलवामा या उरी अटैक के बाद बनाया गया था, भारत के वीर जो हमारे देश के शहीद जवान होते हैं उनके फैमिलीज़ के लिए रिहेबिलिटेशन के लिए वो पैसा खर्च किया जाता है, भारत के वीर नाम से ट्रस्ट है, उसमें उसका 20% अमाउंट जाएगा। तो ये मान लो अगर तुमने 1000 रुपये खर्च कर दिए, 200 रुपये तुम्हारे अपने देश के फौजी भाइयों की फैमिली के लिए भी चले जाएंगे, तो इतना दुखी होने की बात नहीं है दोस्तों। इस कंपनी के जो सीईओ हैं उनका नाम है दयानिधि एमजी, बेंगलोर में है, काफ़ी बड़ी टीम है इनकी, अभी रिक्रूटमेंट भी, अगर आप प्रो गेमर हैं तो इनको कंपनी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपके लिए जॉब हो सकती है। अगर आप एनिमेशन डिज़ाइनर हैं, गेमिंग डिज़ाइनर हैं, कोडिंग करना आप जानते हैं, तो भी आपके लिए इस कंपनी में जॉब हो सकती है और आप अपना योगदान दे सकते हैं एनकोर गेमिंग्स में। अब देखो इसका कहने को तो ये हो रहा है कि सितंबर के लास्ट में इसका ट्रेलर आएगा, लेकिन मुझे लगता है कि सितंबर तक सिर्फ ट्रेलर आएगा। अब कंपनी के ऊपर प्रेशर बढ़ गया है, अब उनको जल्दी से जल्दी गेम को लाना पड़ेगा, क्योंकि उधर से पबजी ने भी घोषणा कर दी है कि हम जल्दी से टेंसेंट गेमिंग का जो स्टेक है उसको हटा के कंपनी को मोबाइल गेमिंग वाले पार्ट को भी कम्प्लीटली कोरियन कर देंगे। जैसे उनका कंप्यूटर वाला कोरियन गेम है तो वो बैन नहीं हुआ, लेकिन मोबाइल वाला हुआ तो उसमें से चाइना का अगर पार्ट हटा दे तो वो भी गेम कोरियन हो जाएगा, इसलिए हो सकता है वो भी वापस आ जाए। तो अब फौजी गेम के लिए कंपटीशन ये हो गया है कि उनको पबजी का जो मोबाइल वर्जन वापस इंडिया में आएगा जो प्योर कोरियन होगा, उससे पहले पहले इनको फौजी लॉन्च करना पड़ेगा, और लॉन्च करने के साथ साथ इंडियंस गेमर के दिमाग में उसको बिठाना भी पड़ेगा कि हमारे गेम में दम है। अब हम उम्मीद करते हैं ग्राफिक्स बहुत बढ़िया होंगे और जो इसका सिनेरियो रहेगा, पूरा फील्ड रहेगा, बैटल फील्ड रहेगा, वो भी शायद कुछ कुछ इंडियन टच लिए हुआ होगा, इस तरह का नहीं होगा, जैकब जॉन तरह के नाम नहीं होंगे, और चिकन डिनर की जगह हो सकता है खिचड़ी भी हो, सही बोल रहा हूँ मैं, ये जो बोला है चिकन डिनर बटर चिकन, चिकन डिनर बटर चिकन करते थे ना वैसे करना, आलू के पराठे खिचड़ी, आलू के पराठे दही पराठे ये करते थे ना, मटर पनीर ये खेला हम, तो ये खाना आप लोग, मजा आएगा आप लोगों को। तो दोस्तों इतनी जानकारी, इससे कुछ भी जानकारी नहीं है, ये ट्वीट मैं आपको दिखाता हूँ अक्षय कुमार का किया हुआ, और एनकोर गेमिंग्स को आप ट्विटर पर फॉलो कर लो, आपको आगे के अपडेट्स मिलते रहेंगे।
यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लो आप मुझे को, आगे के अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। आज के लिए इतना ही है, बहुत ज्यादा नहीं, आलतू फालतू की बकवास नहीं करेंगे। अगला अपडेट जरूर मैं जल्दी से जल्दी लेके आऊंगा इस चैनल के ऊपर, फौजी गेम्स के लिए आपको देखने में मजा आने वाला है और खेलने में भी मजा आने वाला है। गेम आएगा एप्पल OS, एंड्रॉयड, लैपटॉप कंप्यूटर पर खेलने के लिए, तीनों जगह जहां आपका बजट हो वहां आप खेलो भाई साहब, कौन रोकने वाला है। तो दोस्तों आज के बारे में इतना ही सिर्फ, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और चैनल को तो सब्सक्राइब करना ही है, चैनल को तो करना ही पड़ेगा सब्सक्राइब। आगे के अपडेट्स भी तो चाहिए तुम्हें, नहीं चाहिए क्या? ऐसे नहीं है कोई फालतू के इधर उधर की ग्राफिक्स दिखा के तुम्हें कहते फौजी गेम लॉन्च हो गया, ऐसे नहीं होता है। केवल पोस्टर आया भाई साहब, फियरलेस एंड यूनाइटेड गार्ड्स, सातवां ही अक्षय कुमार की फोटो, किसी किसी ने एडिट कर दी मोदी जी की फोटो, ऐसे नहीं करनी चाहिए, हम अहिंसावादी देश के लोग हैं। प्रधानमंत्री की फोटो मोहम्मद चुप को, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो और दोस्तों के साथ में शेयर करो, जिंदगी का मजा आ जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।